राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छा, जय माता की कहना तो मैं भूल गई, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल है माता रानी पर। अगर आप भी नवरात्रि के बाद कन्या पूजन करते हैं तो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और मेरा मानना है, चाहे आप व्रत रखो चाहे मत व्रत रखो, लोग कहते हैं कि हमने जब 9 दिन के व्रत रखेंगे तभी कन्या पूजन करेंगे। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि आप 9 दिन के व्रत रखोगे तभी कन्या पूजन करोगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। आप व्रत रखो चाहे मत रखो, लेकिन आपको कन्या पूजन करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जब वो माता रानी आपके घर पे आती है ना नन्हे नन्हे पैरों से, तो आपके घर की जितनी भी दरिद्रता है, जितनी भी आप पर आने वाली पूरे साल की आपदा है, जितनी भी आप पे मुसीबत आने वाली है, सब कुछ हर के ले जाती है। क्या आप लोगों को पता है, कन्या पूजन करते वक्त आप लोग कुछ गलतियां करते हो, तो वही गलती मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो नंबर कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ क्योंकि आप कौन कौन सी गलती करते हो। नंबर एक, जब कन्या आप लोगों के घर पे आती है तो कोई भी पैर उनके नहीं धुलाता है। आपको एक परात में पानी ले लेना है, उसमें कुछ दूध डाल देना है, उसमें थोड़ा सा आप शहद डाल दीजिए, पंचामृत काइंड ऑफ बना लीजिए उसको, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, और नन्नी नन्नी कंजकों के पैर जरूर पूछने होते हैं। क्योंकि जब कोई आपके घर पे आता है तो सबसे पहले ए माता रानी के स्वरूप वो माता रानी आई है, तो उनके चरण धोने तो बनते ही है ना। उसके बाद क्या करना है, उस पानी को पूरे घर पे आपको छिड़काव करना है, बचा हुआ पानी आप गमलों में डाल सकते हैं। दूसरी गलती, फटाफट से लोग थाली लगा देते हैं और खाना खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे भाई, जब कोई घर पे आता है तो सीधा खाने को दे देते हो, सबसे पहले आपको उनको पानी देना होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, मैंने बहुत कम से कम हजारों लोगों के घर पे देखा है, लोग खाने को तो बहुत सारे आइटम बनाते हैं लेकिन महाराज पानी खाने के बाद देते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले पानी देना होता है, क्योंकि माता रानी आपके घर पे आई है, प्यासी माता रानी होती है, मतलब कंजके जो आई होती है बहुत सारे घरों से खाना खा के आई होती है, तो आपको उनको पानी जरूर देना होता है। और आप पता है, एक बात बताऊं आपको, अगर कोई आपके घर का पानी पी के चला गया ना, कोई आपके घर का पानी पी के चला गया, तो आपका जो राहु होता है वो स्ट्रांग होना चालू कर देता है, और जो राहु होता है ना वो अचानक से पैसा आ जाना, अचानक से संपत्ति आ जाना, इससे संबंधित होता है। तो पानी देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, और लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता, आप कंजके तो बिठा लेते हैं लेकिन लांगुर नहीं बुलाते। वैष्णो देवी गए हैं आप लोग, गए होंगे ना, तो वैष्णो देवी में आप लोगों ने देखा होगा कि वैष्णो देवी की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते हैं। और ये भी बोला जाता है कि वैष्णो देवी की जो गुफा है, जिसमें अर्धकुंवारी पे जो माता रानी की गुफा आती है, गए हो ना, तो कहते हैं कि हनुमान जी ने वहां पे दरवाजे पे खड़े होके, गुफा के द्वार पे खड़े होके माता रानी की पूरी माता रानी की रक्षा करी थी, और द्वार पर माता रानी के रक्षक बन के खड़े हुए थे। आप लोगों को ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। और साथ ही के साथ कहते हैं कि जब भी आप कंजके बिठाएं तो 9 कंजकों के साथ साथ 2 लांगुर का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस प्रकार से 11 की काउंटिंग होनी चाहिए। 2 लांगुर एक भैरव बाबा का रूप होते हैं, और एक बताइए किसका, और एक रूप होते हैं हमारे बजरंग बली का। तो 2 लांगुर के साथ साथ आपको 9 कंजके होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब बहुत बड़ी गलती जो आप लोग करते हो, आप लोग जो दक्षिणा देते हो वो किससे देते हो, 10 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए दे रहे हो, 30 रुपए दे रहे हो, 40 रुपए, ऐसे वाले पैसे देते हो। कभी भी कंजकों को ऐसे पैसे नहीं देना चाहिए, मतलब अर्थात आपको जो पैसे देने हैं उसका अमाउंट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि एक का सिक्का उसमें इंक्लूड होना चाहिए, 7 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, कुछ इस अमाउंट में आपको कंजकों को पैसे देना चाहिए, इस बात का आपका ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के टिप्पण, प्लास्टिक के गिलास वो कंजकों को देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपने प्लास्टिक का सामान किसी भी पूजा में आपको उपयोग नहीं करना चाहिए, आप स्टील का उपयोग कर सकते हो, आप मिट्टी के खिलौने दे सकते हो। और मैं तो आपसे एक बात कहूंगी, महाराज बुक्स क्यों नहीं लेके आते हो, कॉपी क्यों नहीं लेके आते हो, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, ये सारी चीजें दीजिए ना, विद्या की प्राप्ति भी होगी, सरस्वती माता का आगमन भी आपके घर पे होएगा, और साथ ही के साथ कंजकों के ये कार्य भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं, जब कंजकें जा रही होती हैं तो आपको ये कार्य जरूर करवाना होता है, अपने कंजकों को हाथ से, अपने हाथ पर, अपने सिर पर हाथ जरूर रखवाना होता है। कहते हैं कि जब कंजकें जा रही हैं तो हमें आशीर्वाद देके जाए,
जाए। और जब कंचन की छोटी छोटी जो कन्या होती है वो हमारे सिर पर हाथ रखती है ना, तो मानो आपकी सारी दुख दरिद्रता सब कुछ वो अपने अपने पास ले लेती है, सब कुछ हर लेती हैं, और आपका जो ओरा होता है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छा करके चली जाती है। और साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कंजके घर से जा रही हैं तो मेक श्योर जो भी उनकी थाली है, जो भी उनको भोजन का आपने प्रसाद दिया है, वो कभी खाली ना जाए। अर्थात लोग खिला तो देते हैं लेकिन जब खाली जाते वक्त उनकी थाली खाली छोड़ देते, नहीं दो पूरी तीन पूरी, तीन तो दे नहीं जाती ना, दो पूरी चार पूरी उनके में जरूर रखें, या फिर छोले और हलवे का आपने जो भोग बनाया है वो जरूर दें। कंजकों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, इस बात का आपको विशेष और विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रही हूँ, बड़े सारे लोगों को नहीं पता कि आपको दो साल से लेके, दो साल से छोटी कन्या को कंजकों में नहीं बुलाया जाता और नौ साल से बड़ी कंजकों को भी कन्या में नहीं बुलाया जाता। हाँ, किसी कारणवश आ गई है तो आप उसको उनका निरादर नहीं करना चाहिए, आपको उनको भी उतना मान सम्मान प्रतिमा देनी चाहिए। बेशक आप उन नौ कन्याओं में उनको ना बिठाइए लेकिन उनको भी आप कुछ प्रसादी देकर विदा कीजिए, लेकिन याद रखिए दो से नौ तक का ही जोड़ा माना जाता है। और जाते जाते मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि कंजक पूजन कैसे करना चाहिए, कंजक पूजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आदि। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।